हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए सबसे बड़ी जो खुशखबरी जो है निकल करके आ चुका है, बिहार बोर्ड से फर्स्ट आए छात्र छात्राओं को मिलेगा 25,000 रुपये का राशि। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोरोना काल में आगे की पढ़ाई के लिए छात्रों को मिलेगा आर्थिक सहायता, खाते में आएंगे रुपये। ठीक है, तो खाते में जो आपको जो है 25,000 रुपये की जो राशि जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है दिया जा रहा है, तो किस तरह से पैसा जो आप लोग को मिलने वाला, सारा कुछ इस वीडियो हमको इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगने वाला, किस तरह से आप लोग को पैसा को जो है लेना है, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट बने रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें आपको बिहार बोर्ड अपनी सभी प्रथम श्रेणी के पास हुई विद्यार्थियों को 25,000 रुपये की जो है छात्रवृत्ति देगा। देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड जो है सभी प्रथम श्रेणी से पास हुए छात्र छात्राओं दोनों को जो है 25,000 रुपये का जो है राशि जो है छात्रवृत्ति के रूप में जो है दिया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। छात्रवृत्ति की राशि मिलने आए छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए काफ़ी जो है सहूलियत होगी। ठीक है, बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित 10वीं परीक्षा में इस वर्ष लगभग 80% छात्र छात्राएं जो है पास हुए हैं। जो भी छात्र और छात्राएं प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं उनको प्रोत्साहन के लिए बिहार सरकार उन सभी छात्रों के लिए जो है बैंक खाते में जो है 25,000 रुपये की जो है राशि जो है छात्रवृत्ति जो है प्रदान करेगी। ठीक है, छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए सभी प्रथम श्रेणी छात्र और छात्राओं को आवेदन करना होगा। सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस बार प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा बिहार स्कॉलरशिप योजना 2020 के तहत प्रोत्साहन राशि जो सीधे बैंक खाते में जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, इस बार जो है आपका अकाउंट में सीधे 25,000 रुपये जो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस बार बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुए ऐसे सभी छात्र और छात्राओं को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी मदद से वे सभी अपने आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि का उपयोग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस बार बिहार सरकार के द्वारा जो 25,000 रुपये का जो राशि जो है दिया जा रहा है, जिसमें आप लोग आगे की पढ़ाई जो है कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या आप लोग को करना है, क्या क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लगना है, सारा कुछ यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको। बिहार छात्रवृत्ति योजना 2020 के तहत जो है बिहार सरकार के एक कल्याण बिहार मुख्यमंत्री योजना के साइट पर जाकर के जो है इसमें मांगे जाने वाली सभी जानकारी को जो है भर देना होगा। उसके बाद बोर्ड के द्वारा जांच कराकर छात्रवृत्ति की राशि जो है छात्रों को बैंक खाते में जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या जो आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों छात्राओं को प्रथम श्रेणी से पास होने का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, IFSC कोड के साथ आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। देख सकते हैं आपका सारा कुछ जो यहाँ पे लगने वाला है। मैट्रिक पास सर्टिफिकेट, आप लोग का ये सर्टिफिकेट तो मिला नहीं होगा, तो आप लोग को जो है मार्कशीट जो आप लोग नेट से निकाले उसी को जो वहाँ पे दे देना। ठीक है, और आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक के प्रतांक के प्रतिशत पर मिलेंगे प्रोत्साहन राशि, यानी 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जो है 25,000 रुपया जो है मिलेगा। ठीक है, यानी 80% तक आपका अंक आया हुआ है या उससे ज़्यादा आया तो आपको 25,000 रुपये को जो राशि जो है बैंक खाते में जो है भेज दिया जाएगा। अगर उससे आप लोग का कम आया, 70% तक अंक आया है, 70% से अधिक आया है, तो आप लोग को जो है 15,000 रुपये का जो है राशि जो है दिया जाएगा। ठीक है, अगर उससे कम यानी 60% तक आपका राशि है, 60% से अधिक आया है, तो उसके बाद जो है आपका 10,000 रुपये का जो है राशि जो है आप लोग को दिया जाएगा। यानी 3 कैटेगरी में जो इसे बांट दिया गया, यानी 80% आपका अंक है तो आपको 25,000 रुपये का राशि जो है मिल जाएगा। अगर 70% है या उससे अधिक है तो आपको 15,000 रुपये का राशि जो है दिया जाएगा। अगर 60% है या उससे अधिक है तो आपका 10,000 रुपये का जो है राशि जो है दिया जा रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो यह था आपका जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा जो है खुशखबरी जो है आप लोग को दिया जा रहा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।